संभल में पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ कर गैंग के 5 सदस्यों को चोरी की 5 लग्जरी कार, एक ट्रक तथा 3 तमंचों व कारतूस समेत गिरफ्तार किया है। तकनीकी तरीके से व्हाट्सएप कॉल से सरगना विदेश से गैंग का संचालन करता है। गैंग का भंडाफोड़ नखासा थाना पुलिस व एसओजी टीम ने किया है। एसपी ने बताया कि गैंग के सदस्य दिल्ली एनसीआर से वाहन चोरी कर पूर्वोत्तर राज्यों में बेचते थे। शुरुआती जांच में एक साल में दिल्ली से 300 वाहन चुराने की जानकारी सामने आई है, जिसके आधार पर ट्रेसिंग कर बकाया वाहन बरामद करने की कोशिश की जा रही है तथा गैंग के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। गैंग का सरगना शारिक साटा है, जो मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री से गैंग संचालित करता है। वहीं स्थानीय सरगना गांव नूरी सराय का प्रधान है। देखिए हुकूमत एक्सप्रेस की ये पूरी रिपोर्ट। सर, नखासा थाने में एक खुलासा किया है, क्या मामला है? थाना नखासा की पुलिस और एसओजी टीम संभल जनपद की के द्वारा एक आज बड़े वाहन चोरों के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया जा रहा है। इसमें 5 अभियुक्त जिनका नाम कासिफ रजा, बब्बू रौनक अली, वकील पुत्र छोटे कुरैशी, मोहम्मद अनवर और गुलाम नबी, इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 जनपद संभल के रहने वाले हैं, 1 जनपद अलीगढ़ और 1 जनपद मैनपुरी का रहने वाला है। इनके गिरोह के कुछ और सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इनके पास से कुल 6 गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिनमें से 2 क्रेटा, 1 ब्रेजा, 1 ऑल्टो और 1 पिकअप मैक्स ट्रक है। इसके अलावा इनके पास से 3 तमंचे व अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। इनके गिरोह के द्वारा दिल्ली एनसीआर रीजन से कुछ अच्छी गाड़ियों को चुराकर उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट करते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों में ले जाकर उनको बेचा जा रहा था। इस प्रकार की चीज़ प्रारंभिक पूछताछ में सामने आई है। इसकी विस्तृत पूछताछ, इनकी पूरे गैंग के किस तरह का तरीका है, उसकी अभी जाँच चल रही है। इसमें हम लोगों ने 2 टीमें लगाई थी, जिनके द्वारा ये गाड़ियाँ भी बरामद की गई, साथ में इनके साथ से हथियार भी बरामद किए गए। इनके गैंग के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इनके द्वारा पिछले 1 साल में करीब 300 गाड़ियां दिल्ली एनसीआर से चुराई गई हैं। हम लोग उनमें से जो जो वर्कआउट हो सकती है उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। इनके द्वारा जो गाड़ियां चुराई गई हैं वो सभी यहां पर सामने हैं, बरामद की गई हैं। सर, ये कहां से पूरा सरगना माना जा रहा है इसमें? अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि एक शारिक साठा नाम का आदमी है जो इनका सरगना है, जो व्हाट्सएप कॉल और इसके द्वारा इनको मैसेज देता था। काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट इनका ग्रुप है। और जो अभी इनके द्वारा जानकारी दी गई कि ये जो इनका सरगना है, ये मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री में रहकर वहाँ से व्हाट्सएप कॉल और इसके द्वारा इनसे संपर्क रखता था। हाँ जी, ये बब्बू रौनक अली हैं, ये नूरी सराय गाँव के प्रधान हैं। मौजूदा प्रधान मौजूदा प्रधान।